हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कंपोजिशन का एक टॉपिक लिया है, जो नाम तो उसका आर्टिकल राइटिंग है, लेकिन इसमें हमने जो इस टॉपिक लिया है वो COVID-19। अब ये इतना बर्निंग पॉइंट हो चुका है, बर्निंग टॉपिक हो चुका है कि एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। या तो आर्टिकल आ जाएगा, इस पे आर्टिकल नहीं आ रहा है तो स्पीच राइटिंग आ जाएगा, स्पीच राइटिंग नहीं आ रहा है तो कंप्लेंट लेटर आ जाएगा कि सम पर्सन आर वायलेटिंग कोविड गाइडलाइंस, तो उस तरह की कोई कंप्लेंट लेटर आ सकता है। तो ये चीजें आपको लिखनी, आज हम इस पर आर्टिकल लिखना सीखेंगे कि किस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है। ये उसके वैल्यू पॉइंट्स होंगे। वैल्यू पॉइंट्स का मतलब ये हो जाता है कि आपको इन चीजों को अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो भाई क्या चीज है, पहला केस कहाँ आया, WHO ने क्या किया, कितने लोग अब तक मारे गए, सेकंड वेव क्या है और इसका लॉकडाउन क्या है, सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनकम्बेशन पीरियड क्या होता है, पर्सन एट हाई रिस्क कौन कौन है, हाई रिस्क पे है, डायग्नोज कैसे होता है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीन कोविशील्ड और वो इसकी खोज की जा चुकी है, और प्रिवेंशन इसके क्या है, और पब्लिक हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, ये चीजें हैं। तो अब इस पे लिखना है। अगर स्पीच आ जाता है तो मैंने स्पीच का एक वीडियो इसी पे पहले डाल दिया है, आप उसको देख ले। पहले स्पीच में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करें, उसके बाद शुरू करें। आर्टिकल आता है तो आप सीधे ही आर्टिकल लिखें। अब सीधे आर्टिकल लिखेंगे तो आर्टिकल में क्या होगा, देखिए कि यहां पर शुरुआत में आप इसके बारे में बताएंगे, इसकी जो भी विशेषता है, इसकी पहचान कैसे होती है, निवारण कैसे होते हैं, ये अलग अलग चीजें बनाएंगे, और फाइनली हमें और सरकार को क्या करना चाहिए, पब्लिक और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। यहां पर जो नीचे की 5 लाइन फिक्स है, कोई भी आर्टिकल आए, कोई भी रिपोर्ट आए, कोई भी स्पीच आए, अगर उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि अगर आपके आर्टिकल, स्पीच, राइटिंग, ये तीनों चीज अगर आएंगी ना तो कोई ना कोई समस्या बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, या इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, या ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या और कोई जो फीमेल फिटिसाइड है, चाइल्ड लेबर है, और क्या हुआ डोरी सिस्टम है, और ये अपना COVID-19, कोई ना कोई सामाजिक प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम, इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ये जितनी भी सारी जो प्रॉब्लम है उनके लिए लास्ट में आपको यहां पर मैं फिक्स लाइन बताऊंगा, अच्छे वाली, बिल्कुल अच्छे वर्ड में नहीं, उसमें वोकैबुलरी अच्छी काम में नहीं है, अच्छा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, उसको आपको काम में लेना है। ये जो 5 लाइन है, जो भी नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल, इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम आएगी वहां आपको फिक्स लिखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 लाइन आपके पास होगी, अगर इस तरह का कोई आर्टिकल आएगा तो भी होंगी, रिपोर्ट आएगा तो भी होंगी, और स्पीच आएगा तो भी होंगी, और स्पीच में तो ऊपर की 5 लाइन भी आपके पास होंगी, ऑल ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऑल द पर्संस, मीडिया पर्संस एंड रेस्पेक्टेबल टीचर, सो एंड सो, इस तरह की बातें लिख के आपको, एज यू नो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन या टेल माय आइडिया अबाउट सो एंड सो टॉपिक्स, इस तरह से ऊपर की लाइन भी होगी, इसमें होगी। अगर आर्टिकल है तो ऊपर की नहीं, नीचे की आपके पास फिक्स लाइन हो, नीचे की लाइन आप परमानेंट हर के लिए तैयार कर लेना, और वो लाइन मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ऐसे टुकड़ों में अगर आप लिखोगे ना तो आपको याद भी रह जाएगा, लिखने में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी है कि COVID-19 क्या है, इट इज शुरुआत में आप कुछ भी लिख दो, अलग अलग तरह की अलग अलग लाइन है। COVID-19 इज नोन एज अब पहला किस नाम से जाना जाता है, सबको पता है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस।
इसको 19 कर दो या 2019 कर दो, ठीक है। अब पहला केस कहां, फर्स्ट केस, तो जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल सेंटेंस नहीं बनाने आते हैं, यानी उनको ये समझते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, तो वो एक बात पे यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर आप या तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें, या अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज का प्रयोग, आर का प्रयोग कर लें, हो जाएगा काम। फर्स्ट केस वॉज, ये पैसिव वॉइस हो गया वॉज। पहला केस पाया या आइडेंटिफाई किया गया या पहचाना गया, फर्स्ट केस वॉज आइडेंटिफाइड। कहां, चाइना में बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए इन वुहान। देखिए अगर यहां इन वुहान आएगा, अगर आप आगे चाइना भी लिखते हो तो इन चाइना, तो यहां फिर इन नहीं आएगा। अगर दो स्थान एक साथ आ जाते हैं तो बड़े वाले स्थान से पहले आएगा इन और छोटे वाले स्थान से पहले आएगा एट। अगर आप सिर्फ वुहान का नाम लिखते तो यहां इन सही था, ये हो गया, ये इस तरह से वुहान। इसको ये शायद 19 दिसंबर की बात है, अगर आप लिख सकते हो कि दिसंबर में वुहान में ऐसा पता चला था। WHO ने इसको क्या घोषित किया है, अब एपिडेमिक तो होती है लेकिन इसको पेंडेमिक घोषित किया है, WHO WHO declared it, सेकेंड फॉर्म है, घोषित किया इसको, इट ए ग्लोबल। अब आप ग्लोबल को जोड़े सीधे, इसको पेंडेमिक घोषित किया है तो WHO declared it a pandemic, तो या ग्लोबल पेंडेमिक। वैसे पेंडेमिक वर्ड के साथ ग्लोबल की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि एपिडेमिक होती है एक एरिया विशेष के अंदर महामारी फैल जाए, और पेंडेमिक हो जाती है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई महामारी फैल जाए। शब्द का अर्थ होता है सिर्फ महामारी, पेंडेमिक और एपिडेमिक का। अब यहां पर आपको यह बताना है कि इससे काफी लोग मारे गए और बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए, एक दूसरे से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो अब यहां पर आपको करना क्या है कि संख्या बतानी है आपकी, जब तक एग्जामिनेशन होगी तो उस समय आप अपनी संख्या जोड़ देना। मैं यहां संख्या की जगह खाली छोड़ रहा हूं क्योंकि बढ़ती जाएगी ये संख्या, तो जब तक आपकी एग्जामिनेशन होगी तो आप लेटेस्ट डाटा दे दीजिए यहां। तो इट इज, ये एक डेडलीस्ट डेंजरस बीमारी है, बहुत जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने वाली बीमारी, इट इज ए डेंजरस डिजीज। यहां सेंटेंस आपका खत्म हो गया, अगर आप आगे बढ़ाना चाहो तो ये पर्सन टू पर्सन फैलती है, स्प्रेड्स कोमा लगाओ, पर्सन टू पर्सन ठीक है। इससे काफी लोग मरे मारे जा चुके हैं, इट हैज किल्ड यहां पर आप अपने हिसाब से एग्जामिनेशन से पहले लगभग डाटा देख लेना, क्योंकि बढ़ते जाएंगे कितने बढ़ेंगे। एंड इन्फेक्टेड अप टू नाउ, पूरा विश्व इसके कब्जे में आ चुका है, पूरा विश्व इसके कब्जे में, ग्रिप बोलते हैं, पूरा विश्व इसकी ग्रिप में आ चुका है। पूरा विश्व वो कहते हैं द होल वर्ल्ड, या फिर
यहां पेसिव बनाना पड़ेगा, होल वर्ल्ड हैज बीन ग्रिप्ड, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपको, क्योंकि पूरा विश्व इसकी ग्रिप्ट में आ चुका है। तो इट हैज ग्रिप, इट ग्रिप्ड, अब यहां पर इसमें हैज आया, उसमें हैज बीन करना पड़ता, क्योंकि यहां डूअर है ना, कर्ता पहले आ गया था, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब इसकी सेकंड वेव आ चुकी है इसकी, तो इट्स, इसकी दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। इट्स क्या? सेकंड वेव। इट्स More dangerous. ठीक है, और कई बार विश्व में लॉकडाउन भी इंप्लीमेंट हो चुका है, लॉकडाउन लगा दिया गया, मतलब इंप्लीमेंटेड किया गया, तो लॉकडाउन को साथ आप इंप्लीमेंट का वर्ड काम में ले सकते हैं कि एट वेरियस प्लेसेस लॉकडाउन इज इंप्लीमेंटेड टू स्टॉप इट इमीडिएटली। अब देखो ये क्या है, ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। सिम्टोमेटिक होता है कि इसके क्या सिम्टम है, आपको क्या करना है, फिर इसके सिम्टम बताने हैं, फिर आपको ये बताना है कि पर्सन हाई रिस्क पे कौन होते हैं, फिर आपको बताना है कि इसका पता कैसे चलता है, इलाज क्या होता है, रोक प्रिवेंशन क्या होती है। ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तो आपका सेंटेंस बनते जाएंगे, वरना कहीं पहले ही वैक्सीनेशन लिख दिया, बाद में सिम्टम लिख रहे हो, बाद में कुछ और लिख रहे हो, टॉपिक वाइज लिखो। इसके बारे में बताएंगे, हम बताएंगे इट इज, इट कैन बी, ये हो सकता है, कैन बी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है और एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। अब सिम्टोमेटिक अगर होता है तो इसके क्या सिम्टम होते हैं, तो सिम्टम्स मैंने यहां लिखा है, तो सिम्टम्स आप बता दो। इट्स, इसके सिम्टम्स आर अब आप इसको ऐसे डेस करके लिखो, सीधा सेंटेंस हो जाएगा, फीवर होता है, कफ या कफिंग, स्नीज, स्नीज होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, गया, और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, और इसमें आदमी को ये सुगंध का और स्वाद का पता नहीं चलता, तो लूज कर देता है इस चीज को। इस तरह से आप इनको करके ईटीसी कर देना, ये हो गया। अब एक करने के बाद में आप बताओगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, इट्स, यानी इसका जो पूरा फैलने का हार्वेस्ट है वो, चार से चौदह दिन तक अपना असर ये दिखा देता है, ये हो गया। अब ये बताना है कि प्रश्न कौन कौन से व्यक्ति हैं जो हाई रिस्क पे हैं, हाई रिस्क पे वो 60 साल से ऊपर के आपके दिमाग में से है, दूसरा है जो ऑलरेडी पहले से किसी बीपी या शुगर या किसी बीमारी से ग्रसित हैं वो है, या जिनके कोई इम्यूनिटी पुअर है, ये चीज है। The person at high risk आर ऐसे टेस्ट कर दो, हालांकि आप वैसे भी सीधे भी सेंटेंस लिख सकते हो, इस तरह का आपको आसान रहेगा। द पर्सन, पी आर एस वन, पर्सन
एट हाई रिस्क आर, यहां आपको सेंटेंस नहीं बनाने, अबाउट 60 इयर्स अबाउट 60 इयर्स, अबाउट 60 इयर्स विद पुअर इम्यूनिटी, with poor immunity or with pre-existing conditions, यानी पहले से ही कोई बीमारी है उनको, conditions ये having होते हैं उनके। अब ये हो गया कि ये हो गया, अब इसका पता कैसे चलता है कि डायग्नोस कैसे किया जा सकता है कि इसको है ही, तो इट कैन बी डायग्नोस्ड या इट इज डायग्नोस्ड, ये आपको सेंटेंस बनाना है। तो यहां होगा इट इट्स या इट कैन बी डायग्नोस्ड बाय RT-PCR test एक किट होता है, उससे RT-PCR टेस्ट किया जाता है, उससे इसका पता लगता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे देशों ने इसका वैक्सीन बोलते ढूंढ लिया है, तो वैक्सीन की खोज की जा सकती है। Almost countries have इसका its vaccine, अपने अपने देशों के पास अपना अपना वैक्सीन अभी है। अब बात यह रह गई, ये वैक्सीन है ही, अब इसका प्रिवेंशन क्या करें आप, प्रिवेंशन क्या करना है, बहुत पॉपुलर चीज है, पिछले 1.5 साल से आपको बताया जा रहा है, वेयर मास्क नंबर एक, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद गुड सोप, यूज 70% एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, कीप डिस्टेंसिंग एंड होम क्वारंटाइन होम आइसोलेशन। तो सम प्रिवेंशंस, यहां लिखें यूज मास्क, वॉश hands use good sanitizer, इसको मैं यहां से नीचे लिखना शुरू कर रहा हूं, सैनिटाइजर। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यूज 70% एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन, ये इस तरह से आप, इससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब वो बातें आ गई हैं जो मैंने आपको बतानी थी, कि वो लास्ट की 5 लाइन क्या हो सकती है। अब ये सारी तरह की आपने, जैसे मान लीजिए आप फीमेल 50 साइड पे लिख रहे हो, लास्ट की 5 लाइन क्या लिखोगे आप, डोरी
सिस्टम पे लिख रहे हो लास्ट की पांच लाइन क्या लिखोगे, आप पॉल्यूशन पे लिख रहे हो लास्ट की पांच लाइन क्या लिखोगे, फिक्स है वो क्या करना चाहिए। लास्ट की पांच लाइन क्या हो सकती है, ये हो सकती है, एक तो ये होगी द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन डिमांड्स इट्स रूट आउट सॉल्यूशन, यानी सिचुएशन की गंभीरता मांग करती है कि इसका रूट आउट सॉल्यूशन किया जाए। दूसरी ये होती है कि सरकार को जो भी गाइडलाइन है उसको इफेक्टिवली पालन करवाना चाहिए। हमें पब्लिक में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है किसी भी सामाजिक आर्थिक और जो भी राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय समस्या उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि अवेयरनेस, पीपल शुड स्प्रेड अवेयरनेस, या अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड अमंग पीपल्स, ये चीज होनी चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को अपना नैतिक कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो ये हो गया, तो यहां लिखेंगे द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ऑफ द सिचुएशन डिमांड्स इट्स रूट आउट सॉल्यूशन। कोई भी आर्टिकल लिख लेना, कोई भी स्पीच लिख लेना, ये लाइन जरूर लिखनी है। ग्रेविटी होती है गंभीरता, है गंभीर सिचुएशन की गंभीरता मांग करती है कि इसका रूट आउट सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसे, गवर्नमेंट शुड, अब गवर्नमेंट यहां शुड आएगा सारों में, गवर्नमेंट शुड, पीपल शुड एंड वी शुड, शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इफेक्टिव गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड अप्लाई करना चाहिए या लागू करना चाहिए गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट गाइडलाइंस इफेक्टिवली, शुड आ गया। वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, हमें वी शुड, हमें गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। गाइडलाइंस ऑनेस्टली, हमें ये सब में कर सकते हो आप, वी शुड फॉलो ये करना। जैसे मान लीजिए फीमेल फेटिसाइड है, तो यहां पर होगी द सिचुएशन ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन डिमांड इज रूल आउट सॉल्यूशन, गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट या अमेंड इफेक्टिव रूल्स एंड वी शुड फॉलो द रूल्स, इस तरह से। और पीपल पब्लिक अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड अमंग पीपल, या अवेयरनेस ये मैंने पैसिव बना दिया है, शुड बी स्प्रेड, अमंग पीपल, ये चीज होगी यहां। यानी ये जो लाइन है, एक दो लाइन आप और लिख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यानी ये 30 शब्द आपको या 40 शब्द आपको ऑलरेडी आपको मिलेंगे। यहां जो भी चीज आ जाए, ये जरूरी नहीं आप इसको रटें और याद करें, जो भी समस्या ऐसी आती है पहले बताएंगे आप समस्या क्या है, ठीक है, इससे खतरा क्या है, इसका उपाय क्या है, फिर हमें क्या करना चाहिए, यही तो चीज करनी है। जो टेंस इसमें काम में लिया वो साउंड में काम में ले लिया जाएगा, पोल्यूशन भी आ गया तो इसको ही फॉलो करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर स्पीच भी आ सकता है और आ सकता है, ये वैल्यू पॉइंट है, आपको ये ध्यान में रहेंगे तो आप ये वाला सेंटेंस लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।